Praise the Lord that we can meet together one more time. और प्रभु की स्तुति हो ताकि हम क्योंकि हम एक बार फिर हम सब मिल पाए इसके लिए. And spend this time in the Lord's presence. और थोड़े समय को हम परमेश्वर के उपस्थिति में बिता पाए. God has been so good to us. और परमेश्वर हमारे प्रति बहुत ही भला रहा है. And taken care of us all these months. और इन सारे महीनों में परमेश्वर ने हमारी अच्छी देखभाल की है. And we really are thankful to the Lord. और हम परमेश्वर के प्रति बहुत ही आभारी और धन्यवादी है. Shall we just look to him a moment of prayer? क्या हम थोड़ी क्षण के लिए प्रार्थना में परमेश्वर को देखेंगे? My heavenly Father, we thank you and praise you. हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं. For giving us this opportunity. क्योंकि आपने हमें यह अवसर दिया है to be together at your feet. ताकि हम एक साथ मिलकर आपके पैरों के तले पैरों के पास आए. Lord, we want to learn from you. प्रभु, हम आपसे सीखना चाहते हैं. We know that you have many things to tell us. और हम जानते हैं कि आपके पास हमारे हमसे कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं. And we want to listen to your word, Lord. और प्रभु, हम आपके वचन को सुनना चाहते हैं. Each one of us, we need to hear your voice. और हम में से हर एक को आपकी आपकी आवाज को सुनना है. So we humble ourselves. इसलिए हम अपने आप को नम्र करते हैं. And wait at your feet. और हम आपके पैरों तले हम इंतजार करते हैं. In Jesus name. यीशु के नाम से मांगते हैं. Amen. Amen. Recently I was reading through the Gospels. और हाल ही में मैं सुसमाचारों की पुस्तकों को पढ़ रही थी. And what struck me, one of the things that struck me when I was reading the Gospels was. और उनमें से एक चीज जो मेरे साथ बनी रही जब मैं सुसमाचार की पुस्तकों को पढ़ रही थी तब, वो यह है How Jesus treated women who came across his path. और यीशु ने स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार किया जो उसके इर्द गिर्द में या यीशु के करीब आई. I didn't look at it that way as such. और मैं ऐसे पहले ऐसे जरिए से या ऐसे नजरिए से पहले नहीं देख पा रही थी लेकिन जैसे अभी अभी देख पा रही हूँ. But when I looked at one lady who came to Jesus, I remembered many others who came to Jesus. और फिर एक स्त्री जिस तरह से यीशु के पास आई वैसे मैं ऐसे ही सोच रही थी कि ऐसी बहुत सारी स्त्रियाँ यीशु के पास आई थी different needs. और अपनी अलग अलग आवश्यकताओं को लेकर. And I thought, oh, so wonderful to read just a little bit of how Jesus dealt with women. और फिर मैं सोच रही थी कि हाँ ये कितना अच्छा है, कितना ये चीज़ को पढ़ने के लिए कि यीशु ने अलग अलग स्त्रियों के साथ कैसे बर्ताव किया था, कितने भलाई से बर्ताव किया था. Now in this world, we women, we have grown up differently. और इस संसार में अब हम जो स्त्रियां हैं वो अलग अलग तरह से हमारी बढ़ोतरी हुई है. Some of us have been from childhood been showered with lot of love. और हमारे बचपन से हम में से कई सारी ऐसी स्त्रियां हैं जिनके ऊपर बहुत सारा प्रेम को बचपन से ही उंडेला गया था. And care. और हमारी देखभाल की गई थी. And tenderness. और बहुत ही हम पर करुणा दिखाई गई है. Spoken to us very kindly. और लोग जो है हमारे साथ बहुत ही एक अच्छे तरीके से हमसे लोगों ने कोमलता से बात की थी. And some of us, on the other hand, though there was love, it was not very kind words, so sometimes harshness. और हम में से एक दूसरे और एक दूसरे क्षेत्र में हम में से कुछ स्त्रियां हैं जिनको हालांकि प्यार तो मिला था, प्रेम मिला था, लेकिन जो शब्द थे वो कठोर थे और वो कोमल शब्द से नहीं थे. And critical attitude. और बहुत ही गंभीर हमारे प्रति रवैया लोगों ने दिखाया. And some of us had to deal with that. और बहुत सारे हम में से जो स्त्रियां हैं उनको ऐसे चीजों से जाना पड़ा, गुजरना पड़ा. I feel the ones who had grown up with criticism, their parents must have thought
माय डॉटर हैज टू फेस ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। और मुझे ऐसा लगता है कि हम में से जो लोगों ने ऐसे जो निंदाएं सुनी है या ऐसे कठोर शब्दों को सुना है, वो इसलिए क्योंकि उनके माँ बाप ने सोचा है कि आगे जाके मेरे बच्चे को बहुत सारे ऐसे हालातों से जाना पड़ेगा, इसके लिए ऐसा माहौल से गुजरे हैं। So let her learn it, learn to be rough and tough. और इसलिए माँ बाप ने इस प्रकार से सोचा उसको एकदम कठोरता से कैसे और ऐसे मुसीबतों से ऐसे जो तकलीफ वाले रास्तों से कैसे जाना है वो सीखना चाहिए अभी से। And then she'll adjust to everything. और फिर वो हर एक हालात में अपने वहाँ पर वो असुविधा से वो जाने के लिए वो तैयार होगी। So the ones who had grown up with tenderness, when they grow up, they find the world is not the same. और हम में से जो लोग जिनके ऊपर कोमलता से व्यवहार किया गया था, जब हम संसार में जाते तो हम में से कुछ लोगों ने ये पाया कि लोग हमें इस संसार में ऐसा कोमलता से हमारे साथ व्यवहार नहीं करते हैं as their parents were treating them, जैसे हमारे माँ बाप ने हमसे किया। We have to face hardship. और हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। Rough words. और बहुत ही कठोर शब्दों को सुनना पड़ता है। And deal with all that type of stuff. और ऐसे सारे चीजों के साथ हमें व्यवहार करना पड़ता है। Whoever we are, we come to need in our life. Whatever our background was, however we were brought up with. और हमारी पृष्ठभूमि चाहे कुछ भी क्यों ना हुई हो या जैसे भी हमारी बढ़ोतरी हुई हो, कुछ भी क्यों ना हो, तो भी हम जरूरत के साथ आए। We come to need in our life and we want to go and tell somebody. और फिर ऐसी हमारे जीवन में ऐसी अवस्था आई कि हमें जरूरत पड़ी कि हम किसी को तो जाकर इस बात को साझा करें या बांटे, who can understand us. जो हमें समझ पाए। People are kind to us, and then we come across harshness. We say, Lord, we can come. We want to find a friend who listens to us. और फिर हमने जीवन में ऐसे लोगों को पाया जिन्होंने हमारे साथ कोमलता से व्यवहार किया, लेकिन दूसरी तरफ हमसे कठोरता से व्यवहार करने वालों को देख के हम प्रभु के पास आए कि प्रभु कोई दोस्त मिले जो मुझे समझे, मुझे जाने। But the best friend is Jesus. लेकिन हमारा सच्चा जो best friend जिसको कहा जाता है वो यीशु है। We can come to him and say, Lord, help me to take these words as you want me to. और फिर हम यीशु के पास आकर यीशु को कह सकते हैं कि प्रभु मुझे मदद कर कि इस शब्दों को जिस तरह से मुझे लेना चाहिए उस तरह से मैं लूँ। Accept them. ताकि मैं उनको स्वीकारूँ। And the Lord will always meet us. और फिर परमेश्वर जो है प्रभु हमेशा हमसे मुलाकात करता है। And comfort us and maybe rebuke us. और वो हमें सांत्वना भी देता है और शायद वो हमें डांटता भी होगा। But he has our good in his mind. लेकिन उसके मन के अंदर हमारे प्रति भलाई ही है। And I want to think of two women who came to Jesus and something we can learn from them. और मैं दो स्त्रियों के विषय में मैं यहाँ पर बांटना चाहूँगी जो यीशु के पास आती है और उनके जीवन से क्या हम सीखते हैं। The first one was, if you turn to Luke chapter 8. और पहली जो स्त्री है वो है, अगर आप लूका रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में अगर जाएंगे तो वहाँ देखेंगे Verses 41 to 48 भी। और वहाँ पर 41 वचन से लेकर उसके 48 वचन तक। You can keep your Bibles open, but I won't read all the verses. It's about a woman who had a hemorrhagic problem. और यहाँ पर मैं सारे वचनों को तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक स्त्री है, उसको लहू बहने का जो एक लहू बहने की बीमारी थी। She had this issue of blood. और उसको ये जो लहू बहने की जो बीमारी थी। And that's not a new thing for us women. और हमारे लिए ये स्त्रियों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। We can understand. और हम इस बात को समझ सकते हैं। It's such a private matter and we can't share that. She couldn't share that with anyone. और हम जानते हैं कि ये कितना व्यक्तिगत विषय है और ये हम किसी के साथ बांट नहीं सकते, वैसे ही वो स्त्री भी ये किसी के साथ बांट नहीं सक पा रही थी। So desperate. और पर वो बहुत ही अंदर से कहरा रही थी या पुकार रही थी।
and she was suffering with it for 12 years and aur ye 12 saal se ye is cheez se peeda se ye guzar rahi thi. She went from doctor to doctor. और फिर वो वैद्यों से दूसरे वैद्यों पर के पास जाती रही. Spent all her money. और अपना जितना भी उसका उसके पास पैसा था सब कुछ उसने दे दिया या झोंक दिया उसमें. Trying to get the get it treated, but ताकि उसको इलाज मिले. She wasn't getting better. लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा. उसको चंगाई नहीं मिली. And then she heard that Jesus was coming that way. और फिर उसको ऐसा पता चला कि यीशु उस मार्ग से आ रहा है. So she thought, this trouble which I have, this sickness which I have, I am too ashamed to go and tell the Lord Jesus. और फिर वो सोच रही थी कि ये जो मेरी जो समस्या है इसको जाकर मैं उसको शर्म आ रही थी कि वो कैसे बोलेगी यीशु को जाकर कि ये उसको तकलीफ है. What I'll do, I'll go, I'll sneak secretly behind him and fortunately for her there was a crowd of people around her. और फिर वो सोच रही थी कि चुपके से जाकर वो यीशु के वस्त्र को चुपके से लेगी. लेकिन सौभाग्य से उसके इर्द गिर्द में बहुत सारी भीड़ थी यीशु के इर्द गिर्द में जहाँ पर से वो स्त्री जाने वाली थी. Around Jesus. So she thought, I'll just sneak quietly behind and touch the hem of the border of his garment and I know I'll be healed. और फिर वो अपने आप से ऐसे कहने लगी कि अगर उस भीड़ के अंदर से जाकर वो सिर्फ यीशु के वस्त्र के कोने को छू लेगी तो वो तुरंत चंगी हो जाएगी. ऐसे वो खुद से कह रही थी. She had faith in that. और उसके अंदर विश्वास था और ये उसने बहुत ही गुप्त तरीके से किया. That's what she did. और फिर ये उसने किया. And she was healed. और फिर वो चंगी हो गई. And we think like, oh, that lady really had faith, but I admire her faith because she believed. और हम सोचेंगे हाँ उसके पास विश्वास तो बड़ा था और फिर लेकिन हम इस बात की सराहना करते हैं कि सच में उसने विश्वास किया. उसके पास विश्वास था that Jesus would heal her. कि यीशु उसको चंगा करेगा. She had faith in Jesus. उसके अंदर यीशु के प्रति विश्वास था. And what did Jesus do? He could have thought, okay, somebody healed, but Jesus immediately knew that someone with faith had touched him. और फिर यीशु क्या कर सकता वहाँ पर. यीशु ये भी सोच सकता था कि नहीं वो नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं. यीशु ने तो ऐसा कहा कि किसी ने उसको विश्वास के हाथों से छुआ है. Just not an ordinary person, but someone who had faith. और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है. इसने विश्वास के जिस ऐसी स्त्री है जिसके पास विश्वास है. Touched him. और विश्वास के द्वारा उसने यीशु को छुआ. And she was healed. और फिर वो चंगी हो गई. He must have known who that person was. और वो जानता था कि वो व्यक्ति कौन है. But he turned around and he said, "Who touched me?" और फिर भी वो पीछे मुड़कर कहता है कि किसने मुझे छुआ है. And the disciples said, "Lord, there's such a big crowd here. People are all around you. How can you ask this question, who touched me?" और फिर यीशु ने कहा, माफ़ कीजिए, यीशु के चेलों ने कहा कि आपके इर्द गिर्द में तो इतनी सारी भीड़ है और इतने सारे लोग हैं, फिर आप ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हैं कि किसने आपको छुआ है, किसने आपको ऐसे वो लोग चेले लोग बोलने लगे. Many people would have touched you. और बहुत सारे लोगों ने आपको छुआ है. But Jesus knew. लेकिन यीशु जानता था. There was somebody who had touched in faith and he must have known. और फिर यीशु जानता था कि किसी ने विश्वास के द्वारा यीशु को छुआ है. वो उस बात को जानता था, जरूर जानता था, लेकिन all about her. सब कुछ उस स्त्री के विषय में. And he kept asking till this lady timidly and trembling she came to Jesus. और वो यीशु तब तक ये पूछता रहा जब तक वो स्त्री बहुत ही घबराती हुई और बहुत ही कांपती हुई यीशु के पास आई तब तक. And she said, her problem and how she was healed. और फिर वो वहाँ पर आकर बताती है कि कैसे उसकी समस्या थी और कैसे उसको चंगाई मिली. And Jesus, you know the words that Jesus told her. He said, "Daughter, be of good comfort. Thy faith hath made thee whole. Go in peace."
और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु उसको कहता है कि बेटी तू कुशल से जा, शांति से जा, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। She had already been healed. और वो पहले से ही चंगी हुई थी। But Jesus reassured her, you know, it's your faith. और लेकिन फिर भी यीशु ने उसको फिर से उसको दिखाया कि ये उसका विश्वास था। That has made you whole. ताकि उसको विश्वास के द्वारा उसको चंगाई मिली है। Go in peace. और शांति से चली जा। And many times we come to the Lord not with physical problems necessarily, but और कई बार हम प्रभु के पास आते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हम शारीरिक चीजों को ही लेकर आते हैं। Spiritual problems. कई बार हम आत्मिक चीजों को हम लेके आते हैं। And we ask, we want the Lord to heal us of that problem. और फिर हम प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु हमें उस चीज से हमें चंगाई मिल दे। And then we reach out to him. I think और फिर इस प्रकार से हम प्रभु के पास आते हैं। Sometimes sitting in a crowd. Or in a church. और कई बार ऐसा होता है कि प्रभु से हम एक भीड़ के बीच में बैठे हुए परमेश्वर प्रभु से बात कर सकते हैं, हो सकता है एक कलीसिया की सभा में। And we have some problem, physical or spiritual. और शायद हो सकता है हमारे अंदर शारीरिक तौर से कोई तकलीफ है या फिर आत्मिक तौर पर some other material problem and we... या फिर कोई और हमारी आर्थिक अवस्था हो सकती है, समस्या हो सकती है। Reach out. और हम कलीसिया में आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग भीड़ होती है और वहाँ पर हम आते हैं। We're trying to reach out to Jesus. और वहाँ पर हम यीशु के पास पहुँचने के लिए कोशिश करते हैं। But we by faith can reach out to him and touch him in faith and get the answer. और लेकिन हम यीशु को विश्वास के द्वारा छू सकते हैं और हम अपने उत्तर को पा सकते हैं। And the comforting word. और हम वो सांत्वना वाले शब्दों को पा सकते हैं। Daughter, be of good cheer. और बेटी तुम जो है वो शांति से जाओ। What a wonderful thing it is for to hear the word daughter. और फिर ये कितना सांत्वन देने वाला शब्द है कि यीशु अंग्रेजी में इस प्रकार कहता लिखा है कि बेटी तू प्रोत्साहन के शब्द उसको कहता है, बी ऑफ गुड चेयर चेयर ताकि क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मैनी टाइम्स आई फील लाइक हाउ मैनी आई लव टू हियर दैट वर्ड। और कई बार मैंने ये सोचा कि मुझे ये शब्द को सुनना बहुत पसंद है। That word daughter. और वो जो शब्द है बेटी वो। In this world, many of us hear harsh words. और इस संसार में हम बहुत सारे लोग कठोर शब्दों को सुनते हैं। Woman, or some other, or this person, or that, some other bad connotation. और हम स्त्री या ऐसा कोई भी गलत ऐसे शब्द सुनते हैं या जो अच्छे शब्द नहीं है, बुरे हैं। But so wonderful to come to the Lord and hear His word saying, "Daughter, your faith has healed you." लेकिन ये कितनी अद्भुत बात है कि यीशु के पास आकर या हम इस बात को ये अद्भुत शब्दों को सुन सकते हैं कि बेटी तू शांति से जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। Daughter, I am aware of whatever you asked. और बेटी मैं जानता हूँ कि जो कुछ तू मांग रही है। And that many times I felt sitting in a church and we all are worshiping the Lord together. और कई बार मैंने ये चीज को देखा है जब हम कलीसिया में मैं खुद बैठी हूँ और फिर हम सब आराधना कर रहे हैं सब मिलकर। And we are hearing God's word. और हम सब परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। And I have a need in my heart. और मेरे हृदय के अंदर एक जरूरत है। And I cannot tell that need to anyone. और वो जो मेरी आवश्यकता है मैं किसी और को नहीं बता सकती। But I reach out in faith in the middle of that crowd. और मैं उस भीड़ के बीच में विश्वास के द्वारा यीशु के पास पहुंच सकती हूँ। और मैं कह सकती हूँ प्रभु ये है मेरी आवश्यकता और मेरे अंदर इसकी कमी है, कृपया मुझे आप छू लीजिए प्रभु, मुझे चंगा कीजिए, प्लीज प्रोवाइड दिस थिंग फॉर मी। और ये जो चीज है वो मेरे लिए आप उसको उपलब्ध करवा के दीजिए। Please answer me, please. और मैं कृपया मुझे उत्तर दीजिए। Rid me of this problem which I'm facing. और मुझे इस चीज से निकालिए जो ये समस्या से मैं जा रही हूँ। Whatever it is, जो कुछ भी क्यों ना हो। By faith I can hear the Lord saying, daughter,
let it be your faith has healed you. और फिर विश्वास के द्वारा हम प्रभु से ये सुनने पाए कि बेटी तू शांति से जा, क्योंकि तेरे अंदर विश्वास है, तूने विश्वास से सुना है. According to your faith. और तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए. You get the answer to it. और तेरे विश्वास के अनुसार तुझा उत्तर मिले. I find that many times in my life also that once in we were sitting in a eating place and और कई बार मेरे भी जीवन में मैंने बहुत सारी ऐसे देखा है कि मैं एक बार हम कहीं पर खाने के जगह में हम बैठे थे. There was a lady serving us from another part of India. और भारत के कोई भाग में हम बैठे थे एक खाना खाने की जगह में, वहाँ पर एक स्त्री वहाँ पर वो परोस रही थी और वो हमें हमारी सेवा कर रही थी. And she was so timid and frightened. और वो जो स्त्री थी वो बहुत घबराई हुई और बहुत ज्यादा डरी हुई सी लग रही थी. And, you know, new to that job. और वो उस नौकरी में नई थी. And then I called her in our Indian language daughter. और फिर मैंने उसको हमारे भारत के भाषा में मैंने बेटी बुलाया. And her face just shone. और फिर तुरंत उसका मुंह चमकने लगा. She was so happy to hear an elderly woman calling her daughter like. और वो इस चीज को सुनकर बहुत आनंदित हुई कि एक बुजुर्ग स्त्री उसको बेटी बुला रही है. What a wonderful way God Jesus calls us and we have a chance to call someone younger to us in that loving affectionate way. और फिर जैसे यीशु हमको बुलाता है वैसे हम भी दूसरों को प्रेम के द्वारा जो हमसे उम्र में कम है उनको बेटी अब बुलाना कितना अद्भुत और सुंदर है. Then another thing I want to us to meditate on is how did Jesus handle it? You know, Jesus. और एक और चीज है जिस पे मैं चाहती हूँ कि हम मनन करें कि कैसे यीशु ने इसका इसके साथ व्यवहार किया. This whole life was full of, this whole ministry was full of interruptions. और यीशु जो है उसका पूरा जो सेवकाई का समय पूरा जीवन भर हमेशा रुकावटें रहती थी. He was after healing two people who were sick, I think demon possessed, and he was coming out, and then he heard a nobleman, a rich man's daughter, was dying. और जब यीशु ने एक दुष्टात्मा रहित व्यक्ति उसको चंगा किया, फिर एक जो अच्छा सज्जन व्यक्ति था उसकी बेटी जब मर रही थी. His name was Jairus. और उस जो व्यक्ति का नाम था याइर नाम था उस व्यक्ति का. And they came to call him and said, "Come and heal our daughter." और फिर वो आया और फिर उसने कहा कि मेरी बेटी को आकर चंगा कर. And Jesus was in a hurry to go. और यीशु बहुत ही जल्दी में था जाने के लिए. And then this woman touched and was healed. और फिर उसी दौरान ये स्त्री आती है बीच में और फिर उसको यीशु छूता है और फिर वो चंगी हो जाती है. And how did Jesus react to that interruption? और फिर यीशु उस जो बीच में एक बाधा आई थी उसके ऊपर कैसे वो प्रतिक्रिया देता है. And this crowd is milling around me. I have to make my way somehow across and go to this man's house. और फिर यीशु इस प्रकार से सोच सकता था कि ये बीच में स्त्री कहाँ से आ गई है, मैं तो बहुत जल्दी में हूँ, उस जो व्यक्ति है मेरे पास आया है उसके घर पे मुझे जल्दी से पहुँचना है. But he stopped. लेकिन ऐसा नहीं था, वो रुका वहाँ पर. He stopped and he had time for this. लेकिन वो वहाँ पर रुका और ये स्त्री के लिए यीशु के पास समय था. Old woman who had suffered for 12 years. जो स्त्री जो 12 साल से इस पीड़ा से गुजर रही थी उसके प्रति. He said it took time and he could have said, okay, I'm in a hurry, she's healed, let me go. और फिर वो ऐसा उसको कहा होता उस यीशु ने कि ठीक है मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे जाना है, ऐसा नहीं किया यीशु ने. But he stopped and he called her. और यीशु ने उसको चंगा किया, वो रुका और उसने उसको बुलाया and encouraged her. और उसको प्रोत्साहन किया. And sometimes I think like, why did Jesus have to call her and in front of that big crowd? और फिर मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ कि इतने बड़े भीड़ के बीच में यीशु को कोई क्या जरूरत थी कि उसको वो बुलाए आगे.
and make her come out there and own up that she was the one who was healed. और फिर सबको ये बता दे कि ये ही वो स्त्री है जिसको चंगा किया गया है। I think if Jesus could have said quietly, whoever you are, dear lady, you are healed. और फिर मैं सोच रही थी कि यीशु ऐसे भी कह सकता था बहुत ही छुपे तरीके से गुप्त में कि जो कोई भी स्त्री है तुझे चंगाई मिली है ऐसे चुपचाप से भी कह सकता था बिना नाम लिए तुम्हें सांत्वना मिले तुम चंगी हो गई और फिर वो ये सब कहकर क्योंकि वो जल्दी में था वो ये कहकर निकल के जा सकता था वहां से लेकिन यीशु के पास वो स्त्री के लिए जो एक गरीब स्त्री है उसके लिए व्यक्तिगत तौर से समय था और वो उसको चंगा करता है और उसके लिए रुकता भी है आई थिंक इट वाज टू शो दिस लेडी हु वाज सो टिमिड एंड हु वाज ट्रेम्बलिंग और फिर वो ये दिखाना चाहता था कि वो स्त्री जो है जो बहुत ही घबराई हुई बहुत ही डरी हुई इसी जो है एंड सो didn't want to come in front of people. जो लोगों के सामने आने के लिए कोई इच्छा नहीं रखती है अपने मन में Jesus gave her a chance. यीशु ने उसको एक मौका दिया to stand in front of the people and ताकि वो सारे लोगों के सामने खड़ी रह पाए proclaim the fact that she was healed. ताकि वो उस सच्चाई की घोषणा करे कि उसको चंगाई मिली है and gave her that boldness. और उसको वो प्रभु ने वो एक हिम्मत दी ताकि वो इस बात को स्वीकार करे कि यीशु ने उसको चंगा किया है और कई बार हम भी बहुत घबराए हुए होते हैं और डरपोक रहते हैं कि हम लोगों के सामने खड़े नहीं रहना चाहते So timid, but और यहाँ तक कि यीशु ने हमारे लिए इतना कुछ किया है पर फिर भी हम बहुत घबराने वाले या डरपोक जैसे होते हैं the Lord gives us a chance. लेकिन तब परमेश्वर हमें अवसर देता है Hear my daughter. सुनो मेरी बेटी This is your chance. ये तुम्हारा अवसर है you can say a word for me. तुम मेरे लिए एक शब्द कह सकती हो That you are healed. कि तुम्हें चंगाई मिली है And I have healed you. और मैंने तुमको चंगा किया है Be of good cheer. तुम प्रोत्साहित हो जाओ so, that's another lesson I learned, how to handle interruptions. और फिर ये एक और पार्ट मैंने सीखा कि बाधा आती है तब उसमें हमें कैसे उसका सामना करना है we, women, especially mothers, और हम जो स्त्रियां हैं विशेष तौर पर माताएं We have to face interruptions all our lives. और हमें जो है बाधाओं को पूरे हमारे जीवन भर ही उसको सहना है या उसका सामना करना है और हमें सुबह जल्दी जल्दी से उठना पड़ता है और हमें अपना एक शांति भरा अपना खुद का एक शांति भरा समय चाहिए होता है ताकि हमको एक कप ऑफ एक प्याले में कॉफी लेकर पीते हुए ताकि हम बाहर थोड़ा देर देख सके और परमेश्वर की आराधना कर सके और हमें एक बिना बाधा वाली जीवन की इच्छा है लेकिन ये ऐसा नहीं है और हमारा जीवन तो पूरा बाधाओं से ही भरा है अगर हम कुछ करने को आरंभ करते हैं तो we put the breakfast on the table. और अगर हम नाश्ता ये फर्श पर रखते टेबल पर रखते हैं तब and then something else happens. और फिर कुछ और ही हो जाता है we have to leave that and go. And और हमें वो छोड़कर जाना पड़ता है we misplace something. और या हम कुछ खो देते हैं और या फिर हम ग्लास ढूंढ रहे हैं या कुछ और कुछ कर रहे हैं Just few days back, couple of days back, I was talking to one of the sisters in our church. और कुछ दिनों पहले मैं एक हमारे कलीसिया के एक बहन से बात कर रही थी Called sisters, but she's actually a mother. और एक्चुअली मैंने उसको बहन कहा लेकिन वो एक माँ है With children. वो उसके बच्चे हैं And she was telling me she, about her busy life. She said how she had dressed up to go to her assignment and all dressed up and
clean clothes and then there was a medical emergency. और फिर वो उसकी उसका जीवन बहुत ही व्यस्त भरा जीवन है और वो कह रही थी कि कैसे जब वो ड्रेस पहन कर अच्छा गई और फिर एक अचानक से एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई. And she had to attend to that and her clothes got dirty and she. और फिर उसको उस मेडिकल इमरजेंसी के वजह से उसको जाना पड़ा, उसको वहाँ पर जाना पड़ा और जिसके कारण उसके वस्त्र गंदे हो गए. She had to start again and. और फिर उसको फिर से शुरुआत करनी पड़ी. She had to rush to that assignment. और फिर उस जो असाइनमेंट थी उसके लिए उसको भागकर जाना पड़ा. Then I said, sister, I am really amazed how you can handle. और फिर मैंने कहा, बहन, मैं तो सच में बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि तुमने इसको कैसे संभाला, इंटरप्शंस, ये सारी बाधा को. That thought came to me. और फिर वो विचार मेरे मन में आया, Lord, help me to handle interruptions. और प्रभु मुझे सहायता कर कि मैं भी बाधाओं को सह पाऊँ या बाधाओं का सामना कर पाऊँ. As we grow older, we tend to misplace things and we tend to forget. और फिर जब हम जैसे ही हम बुजुर्ग होने लगते हैं, हमारी उम्र बढ़ने लगती है, तो हम कुछ चीज़ों को खोते हैं या कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं. और हम यहाँ तक कि दवाइयाँ लेनी होती है समय पे, वो भी हम लेना भूल जाते हैं समय समय पर. And how do we handle, how did Jesus handle interruptions? फिर ये सब चीज़ को कैसे सामना करे या यीशु ने कैसे बाधाओं को का सामना किया. He had time for everyone. उसके पास सबके लिए समय था. He didn't get upset. वो किसी के ऊपर नाराज नहीं हुआ या क्रोधित नहीं हुआ. Inwardly we can get annoyed, irritated. और हमारे अंदरूनी जीवन के अंदर हम चिड़चिड़े हो सकते हैं या परेशान हो सकते हैं. When something happens to interrupt us and you think, oh no. और फिर शायद कुछ हो जाता है हमारे साथ, फिर जिससे बाधा आती है, तो फिर हम कह सकते, हम ऐसा कहेंगे, अरे ये क्या हो गया. Or we can tell our children, you have to do this now, can't you wait, or some. या फिर हम अपने बच्चों से कहेंगे, तुम्हें ये अब करना था, क्या तुम और इंतजार क्यों कर, ये करना चाहिए था, ये इंतजार क्यों करवा रहे हो. Tone of irritation. और फिर ऐसे हम बहुत ही गलत तरीके से अपने बच्चों से बात करेंगे, जो चिड़चिड़े तरीके से. And here we can learn from Jesus. लेकिन यहाँ पर हम यीशु से सीख सकते हैं. How he handled. उसने कैसे इसके साथ व्यवहार किया या इसका सामना किया. Yeah, interruptions. जो बाधाएं आई उसका. And the another and this lady's story, I mean example, is a to teach us about our individual need. और फिर ये स्त्री का जो उदाहरण है वो हमें एक पाठ पढ़ाने के लिए है कि हमारी खुद की जो व्यक्तिगत आवश्यकता है वो कैसे उसके कैसे करना है. The second one I want to, lady I was thinking about was a woman. If you read in we can read in Matthew 4:15. और एक और स्त्री है जो जिसके विषय में मैं उदाहरण बताना चाहती हूँ, दूसरी स्त्री, वो अगर आप पढ़ेंगे मत्ती उसके 15वें अध्याय में. That it's about a Canaanite woman. और वो एक कनानी जो स्त्री थी, अन्य जाति स्त्री, उसके विषय में. Who came to Jesus. Jesus went all the way to a place. और फिर जैसे वो यीशु के पास आई और फिर यीशु कैसे उसके पास गया. Coastal area. और फिर वो बहुत ही एक ऐसा ऐसी जगह थी, कोस्टल एरिया था, टायर एंड साइडन, टायर और सिदोन में. एंड दिस केनानाइट वुमन केम. वहां पर एक कनानी स्त्री आती है. एंड दिस टाइम शी केम विद नीड फॉर हर चाइल्ड. और इस समय वो अपने बच्चे की जो जरूरत है उसको लेकर यीशु के पास आती है. एंड शी वाज अ वुमन हु फेल्ट लाइक आई एम नॉट वर्थी टू गेट एनी. और फिर वो स्त्री ऐसे सोचने लगी कि मैं यीशु से कुछ पाने के लायक नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ. You know, in India we have people called untouchables. और हम भारत में, जैसे आप जानते हैं, भारत में ऐसा हम लोग हैं जो अछूत लोग हैं, जिनको छूना नहीं चाहिए. They don't feel as if they deserve anything. तो वो ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ भी, किसी भी चीज के योग्य नहीं है या लायक नहीं है. They're not worthy to come before. Educated people or important people. और फिर उनको ऐसा लगता है कि जो महत्वपूर्ण लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, उनके सामने आने के वो योग्य नहीं है, लायक नहीं है. Go to any office or. या फिर कोई भी एक जहाँ पे ऑफिस होता है उस एरिया में जाने के या उस क्षेत्र में जाने के योग्य नहीं है. Anything. This woman was like that. She felt unworthy and
और फिर ये स्त्री भी यही सोच रही थी कि मैं लायक नहीं हूँ कि मैं उसके सामने जाऊँ, क्योंकि जो यहूदी लोग थे ऐसे लोगों के साथ उनका कोई लेना देना नहीं था. And but she had a need in her life. Her daughter was demon possessed. लेकिन उसके जीवन में एक आवश्यकता आई तो उसकी बेटी जो है वो दुष्टात्मा ग्रसित हो गई थी, इसलिए वो यीशु के पास आई अपनी जरूरत को लेकर. Then she wanted the Lord to heal her. और वो चाहती थी कि प्रभु उसको यीशु उसको चंगा करे. Deliver the child from the demon. ताकि प्रभु यीशु उसके बच्चे को जो दुष्ट आत्मा से उसको छुटकारा दे. And she came and at first Jesus ignored. He didn't answer anything. और वो आई यीशु के पास और सबसे पहले तो यीशु ने उसको उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और फिर उसको कुछ कहा भी नहीं. The disciples said, "Send this woman away." फिर चेले लोग कहने लगे कि इस स्त्री को भेज दो दोबारा वापस. She's bothering us. And Jesus, और वो हमें बहुत परेशान कर रही है. Jesus said, when she kept on asking, Jesus said, "I didn't come for outsiders. I came for the children of Israel." और फिर वो लगातार बार बार यीशु से बोलने लगी, पूछ मांगने लगी. तो फिर यीशु ने कहा कि मैं अन्य जातियों के लिए नहीं, मैं इसराइलियों की संतानों के लिए भेजा गया हूँ. Just to test her. और केवल उसको परखने के लिए यीशु ये कह रहा था. I believe. ऐसा मेरा विश्वास है. Jesus would have known her heart, but just to test her. और यीशु को उसका हृदय पता था, लेकिन केवल उसको परखने के लिए. He said that. उसने ये कहा. And then this woman, she said. और फिर ये स्त्री है, वो ऐसा कहती है. And when Jesus said, "It's not proper for me to give the children's bread to." Bread to dogs. और फिर यीशु ने उसको कहा कि ये उचित नहीं है कि बच्चों का खाना जो है वो कुत्तों को दिया जाए. She said, "Lord, even the puppies can have a bit of the crumbs which are under the table." और फिर वो जवाब में ये कहती है कि प्रभु जो कुत्ते के बच्चे हैं वो भी जो झूठा जो बच्चे के थाली से गिरता है उसका झूठा जो है झूठन को खाते हैं. She humbled herself. उसने अपने आप को नम्र किया. She knew she doesn't deserve even the bread which the children have to eat. और फिर वो ये भी जानती थी कि वो बिल्कुल भी लायक नहीं, योग्य नहीं है कि जो बच्चे जो वो खाते हैं उसके जो खाना है उसके वो बिल्कुल भी लायक नहीं है. But she said, "Lord, just give me a crumb." और उसने कहा कि प्रभु झूठन ही मुझे दे दे, कि केवल वो ही दे दे. That's enough for me. वो मेरे लिए काफी है. A crumb from your hand. और आपके हाथों से वो झूठन मुझे दे दे. Is enough to heal my daughter. वो झूठा झूठन जो आपके हाथ से आप देंगे वो काफी है मेरी बेटी को चंगा करने के लिए. What humility. क्या है, नम्रता है ये. And Jesus did. I believe Jesus said all that just to test her. और मेरा ये विश्वास है कि यीशु ने ये सब उसको परखने के लिए कहा. And he said, "Woman." Great is your faith, he said. और फिर वो स्त्री को कहता है कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बहुत ही महान है. In other words, oh woman, great is your faith. Be it unto you as you will. और वो उस स्त्री को कहता है कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बहुत ही बड़ा है, तेरे लिए वैसा ही होगा, तेरे विश्वास के अनुसार होगा. He acknowledged. He gave her the opportunity for her to show. और उसको यीशु ने उसकी जो नम्रता है वो प्रकट करने के लिए उसको एक अवसर दिया. और कितनी वो जो बिल्कुल भी अयोग्य है, कितनी अयोग्य है. और फिर यीशु ने उसके प्रार्थना का उत्तर दिया. That's a lesson to us, you and me especially. और ये हम सबके लिए एक पाठ है, यहाँ तक कि वो मेरे लिए सबसे विशेष तौर पर मेरे लिए वो एक पाठ है. I come to the Lord with any need. और अगर मैं यीशु के पास कोई भी जरूरत को लेकर आती हूँ in my life, मेरे जीवन में, especially for all of us. और विशेष तौर पर हम जो माताएं हैं वो हमें अपने बच्चों के लिए जरूरत है, आवश्यकता है. Some sickness, कुछ बीमारी हो सकती है. Some problem at school, या फिर जो स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो सकती, समस्या हो सकती है.
problem in adjusting with other children. या फिर दूसरे बच्चों के साथ मिलने में कोई उनके साथ व्यवहार करने में कोई समस्या हो सकती है. All kinds of things with the doctor's name have different names for them. और फिर जो कोई भी डॉक्टर्स ने जिसको नाम दिया अलग अलग तरीके का कोई भी समस्या हो सकती है. This problem and that deficiency and ये तकलीफ है या इस चीज की कमी है. That needs this counseling and that and that. और फिर ये चीज के लिए इस काउंसलिंग की जरूरत है या फिर इस ये है या वो. But when we come to the Lord with need in our children. और लेकिन जब हम प्रभु के पास यीशु के पास अपनी जरूरत को लेकर आते हैं हमारे बच्चों के प्रति. And we can come to the Lord and say, Lord. और हम प्रभु के पास आकर कैसे ऐसा जब कहेंगे प्रभु. Just a crumb from your hand is enough to heal mine. प्रभु आपके हाथों से वो झुट्टन है केवल वही काफी है मेरे बच्चे को चंगाई के लिए. Child. And many times I have felt like that. और कई बार मुझे ये महसूस हुआ है. I don't think, Lord, I've been a believer for so many years. और प्रभु मैंने ये चीज को सोचती हूँ कि मैं बहुत सालों से एक विश्वासी रही हूँ ऐसा नहीं सोचना चाहती. And so I deserve healing. इसलिए मैं जो चंगाई के मैं लायक हूँ. Or my husband is serving the Lord. या फिर मेरा पति प्रभु की सेवा कर रहा है. Serving you. या फिर आपकी सेवा कर रहा है. So I deserve. इसलिए मैं इस चीज के योग्य हूँ. No healing for my child. कि मैं मुझे मेरे बच्चे के प्रति चंगाई मिले. Oh, I deserve answer for this. या फिर मैं कोई भी जवाब के लिए मैं योग्य हूँ. This thing to be done for my child. कि ये चीज मेरे बच्चे के लिए इसको ये की जाए. Say, Lord. और मैं कहूँ कि प्रभु. Let me come like that Canaanite woman. प्रभु मैं उस जो कनानी स्त्री है उसके जैसे मैं आना चाहती हूँ. I don't deserve anything. मैं कुछ भी चीज के लायक नहीं हूँ. I'm just a sinner. मैं बस एक पापी स्त्री हूँ. Saved by grace. और आपके अनुग्रह के द्वारा बचाई गई हूँ. If it were not for your grace, I'd be on the pathway to hell. और अगर आपका अनुग्रह मेरे ऊपर नहीं किया गया होता तो फिर मैं नरक के रास्ते में होती. That's what I deserve. यही मैं इसी चीज के मैं लायक हूँ. But you picked me up and brought me. And brought me to sit at your table. और आपने मुझे उठाया उसमें से और उस आपने मुझे अपने जो आपका टेबल है उस टेबल के पास में आपने बिठाया. And be part of your kingdom. और आपने मुझे अपने राज्य का हिस्सा बनाया. And it's all because of you. और ये केवल आपके वजह से है प्रभु. Just a crumb from your hand. और केवल एक आपके हाथों से एक झुट्टन ही काफी है. Is enough to heal my child. ताकि मेरे बच्चे को इससे चंगाई मिले. Dear sisters, dear mothers, प्रिय बहनों, प्रिय माताओं, let's have faith for our children. आइए हमें हमारे बच्चों के प्रति हम अपने मन में विश्वास रखें. Many our children, they are helpless and they are young. और हमारे बहुत सारे बच्चे जो है वो असहाय है और वो जवान है या छोटे है उम्र में. And they don't even know how to pray. और फिर उनको ये भी नहीं पता है कि प्रार्थना कैसी की जाए. We have the opportunity to pray for our children. और हमारे पास ये मौका है कि हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें. Say, Lord, और हम कहें कि प्रभु, I come kneeling at your feet. और मैं आपके पैरों के तले मैं घुटने को टिकाती हूँ आपके सामने. Unworthy as I am, I bring my child to you. और मैं एक अयोग्य होकर मैं अपने बच्चे को आपके करीब लाती हूँ. Please touch him or her. और मैं कृपया उसको आप छू लीजिए. And heal her. और आप उसको चंगा कीजिए. And make her your disciple. Make him your disciple. और उसको लड़का हो या लड़की हो उसको आपका जो है चेला बनाइए. Let him live for your glory. और उसको आपकी महिमा के लिए जीने के लिए सहायता कीजिए. Let him even through this experience. Let him say, Jesus has done this for me. और ये जो उसकी अवस्था है इसमें भी जब उसको चंगाई मिले तो वो कहे कि ये यीशु ने मेरे लिए किया है. Throughout his life, let him पूरे जीवन भर remember वो इस बात को याद करे that you did this great thing. कि ये महान चीज आपने उसके लिए की. You delivered him from the sickness. और आपने उस बीमारी से उसको छुटकारा दिया है. Delivered her. You answered the prayer. और आपने उसको छुड़ाया है और प्रार्थना का उत्तर दिया उसके. Many people have heard my mom and dad
remember them praying for me. और मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए प्रार्थना की. Let our children remember the fact that we have prayed for them. और ये जो सच्चाई है ये हमारे बच्चों को याद करने दीजिए कि हमने उनके लिए प्रार्थना की थी. We brought them out through all these difficult situations with the Lord's help and by prayer. और ये जो समस्याएं है या कठिन परिस्थितियों से हमने उनको परमेश्वर के पास या ये मुसीबतों से बाहर विश्वास के द्वारा प्रार्थना के द्वारा उनको परमेश्वर के पास लाया है. That's what. और उसके बाहर लाया है. We can do and that's the. और ये हम कर सकते हैं. Example like that's the lesson I learned from this lady. और फिर यही पार्ट है जो इस स्त्री से मैंने सीखा है. The Syrophoenician Canaanite. जो ये कनानी स्त्री थी अन्य जाति की. Woman. Who came and who didn't give up. और जो आई और उसने सब कुछ त्याग नहीं दिया या उसने हार नहीं मानी. And the Lord told us many many instances. Luke 18:18 is a verse. Says. और प्रभु ने हमें बहुत सारे उदाहरण दिए जैसे लूका के सुसमाचार 18वें अध्याय में. Keep praying, keep प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो. Keep on asking. और मांगते रहो. Don't give up. और हार ना मानो. Just keep asking. केवल आप मांगते रहो लगातार. Just one time. Of course, the Lord knows. और ये सच्चाई है कि परमेश्वर जानता है. We need it, but the Lord. हमें चाहिए लेकिन Just keep on asking. लेकिन परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम लगातार मांगते रहे. Till we get some answer. तब तक मांगते रहे जब तक हमें उत्तर नहीं मिल जाता है. The answer may be yes, I heal right away. और उत्तर शायद ये हो सकता है कि हाँ मैं चंगा करूँगा. The answer may be wait. या फिर उत्तर ये हो सकता है कि नहीं इंतजार करो. After a few years, you'll find. और कुछ सालों के बाद आपको मिलेगा. A gradual improvement in your child. और फिर धीरे धीरे वो आपके बच्चे को मिलेगा. He'll never send us back disappointed. और वो कभी भी निराश होकर हमें दोबारा नहीं लौट जाने के लिए कहता है. If we as parents, we don't give stone when our child asks for a bread. Here. और अगर हम अपने अपने बच्चे हमें जब रोटी मांगते हैं तो हम उन्हें पत्थर नहीं देते. Eat the stone. You don't say that. When they ask for bread, you say, yeah. और जब हमारे बच्चे हमसे रोटी मांगते हैं तो ना केवल हम उनको रोटी देते उसके ऊपर हम उनको घी या बटर लगा कर देते हैं. और ये आपके लिए ऐसा कहते हैं. और ऐसे हम अपने बच्चों के प्रति है. How much more Lord will take care of us. और फिर इससे भी कई बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए कितना अधिक करेगा जो हमारी देखभाल करता है. Especially when we come to him with our needy children. और विशेष तौर पर जब हम अपने बच्चों के जो जरूरत को लेकर उसके पास आते हैं. So those two things are a great example. और फिर ये दो जो चीजें मैंने आपसे कही ये बहुत ही महान उदाहरण है. And many times I think, what is this faith which Jesus recommended in these two ladies? और फिर मैं ये सोच रही थी कि ये क्या विश्वास है जो ये दो स्त्रियों के अंदर यीशु ने जो दिखाया बताया है. He told this first lady, your faith has healed you. और जिस पहली स्त्री को यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया. And the second one, she wasn't even a Christian. और जो पहली स्त्री थी वो तो एक मसीह भी नहीं थी. She wasn't even a You didn't know anything about the Jewish religion. और फिर वो जो है स्त्री थी उसको तो यहूदियों के जो धर्म के विषय में या यहूदियों के किसी भी नियम के विषय में कुछ भी पता नहीं था. Canaanite woman. और जो कनानी स्त्री थी वो भी. To her also, Jesus said, "Your faith has healed." और उस स्त्री को भी यीशु ने यही कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया. Let it be according to your faith. और ये जैसे तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए. So it is nothing not to do with that person. और फिर ये जो है उस व्यक्ति के साथ उससे कोई लेना देना नहीं है. Who came to Jesus. जो यीशु के पास आया. Faith I realize is in Jesus. If I have faith, it's the faith in Jesus. और मैंने इस बात को सीखा कि यीशु के अंदर वो विश्वास था. अगर मेरे अंदर विश्वास है तो यीशु के अंदर भी वो विश्वास होगा. Nothing to do with me. और ये इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है. My faith is so weak. मेरा जो विश्वास है वो बहुत ही कमजोर है.
सो स्मॉल, बहुत ही छोटा है, नॉट एट ऑल सिग्निफिकेंट, और कोई भी मायने नहीं रखता है. बट माई फेथ इज इन जीसस, लेकिन मेरा जो विश्वास यीशु पर है, वन हु कैन आंसर, जो मेरे मुझे उत्तर दे सकता है. आई समटाइम्स थिंक ऑफ रिमाइंडेड ऑफ द स्विमिंग लेसंस माय डॉटर्स एंड सन्स यूज्ड टू टीच माय चिल्ड्रन हाउ टू स्विम. और मैं कई बार इस बारे में विचार करती हूँ कि मेरे जो बेटा है, उन लोग वो जो है मेरे जो नाती पोती है, उनको जब स्विमिंग करना सिखा रहे थे तब की बात है. एंड समटाइम्स दे स्टैंड ऑन द चिल्ड्रन लिटिल वंस वुड स्टैंड ऑन द एज ऑफ द स्विमिंग पूल और ऑन द डाइविंग बोर्ड एंड देन द पेरेंट वुड बी स्टैंडिंग इन द वाटर एंड दे जंप जंप. और जो बच्चे हैं, या तो बच्चे के माँ बाप या तो कोने में उस स्विमिंग पूल पे खड़े रहेंगे, या फिर बच्चे लोग उस जो डाइव जंप करनी है जहाँ से स्विमिंग पूल के अंदर, वो माँ बाप पूल के अंदर खड़े रहकर बच्चों को करेंगे, कहेंगे कि कूदो कूदो इसके अंदर, आ जाओ आ जाओ. And the child is so afraid and trembling and afraid to jump. और बच्चा जो है कूदने के लिए कांप रहा है, बहुत ही डर रहा है. Don't worry, mommy and dad are here. और फिर वो मम्मी पापा कहते हैं कि घबराओ मत, मम्मी और पापा यहाँ पर खड़े हैं. We'll catch you. हम लोग तुमको पकड़ लेंगे. Won't let you drown. हम तुमको डूबने नहीं देंगे. We'll take hold of you. हम तुमको पकड़ लेंगे. And the child jumps. और फिर उसके वजह से बच्चा कूदता है. And that's what faith is. और यही है विश्वास. The child doesn't have faith. और बच्चे के अंदर विश्वास नहीं है. In itself, doesn't even know how to swim. खुद के ऊपर विश्वास नहीं है बच्चे को, और बच्चे को तो खुद तैरना भी नहीं आता. But the child has faith that my dad and mom are there. और लेकिन बच्चे के अंदर ये विश्वास है कि मेरे मम्मी पापा वहाँ पर खड़े हैं. They won't let me sink. वो मुझे डूबने नहीं देंगे. They'll hold on. और वो मुझे पकड़ लेंगे. There's a beautiful verse in Deuteronomy 33. और एक सुंदर वचन है व्यवस्था विवरण उसके 33वें अध्याय में. It says, underneath are the everlasting arms. और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जैसे इंग्लिश में कहा है कि एकदम निचले स्थान के अंदर वहाँ पर जो है सार्वकालीन जो हाथ है वो वहाँ पर हाथ मौजूद है. Deuteronomy 33 verse 27. Under और व्यवस्था विवरण 33 अध्याय का उसका 27वां वचन. Underneath are the everlasting arms. और हिंदी में ऐसा लिखा, अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम और नीचे सनातन भुजाए है. Yes, thank God. Whatever situation we face, then the Lord asks us to take that step. और ये परमेश्वर का धन्यवाद है कि जो कोई भी हम ऐसे कदम को लेते हैं और परमेश्वर हमें विश्वास के द्वारा उसमें कदम लेने के लिए जब कहता है, He says, "Don't worry, my child, my daughter, underneath are my everlasting arms." और फिर प्रभु कहता है कि मेरी बेटी तुम चिंता मत करो, उस एकदम निचली गहराई के अंदर मेरा जो सर्वकालीन जो हाथ है, सर्वकालीन समय से जो वो मेरा हाथ है, या सर्वकालीन मेरा हाथ है वो वहाँ पर है. I won't let you down. मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा. I hold you. मैं तुम्हें पकड़ूंगा. But you be true and faithful to me. लेकिन तुम सच्चे और विश्वास योग्य मेरे प्रति रहो. Trust in me. मुझ पर विश्वास रखो. Don't trust in any other person. और किसी और व्यक्ति पर या किसी और व्यक्ति पर विश्वास मत रखो. Don't trust in any other God. That's what God told the children of Israel. और दूसरे और कोई ईश्वर पर भरोसा मत रखो, जैसे ऐसा ही बिल्कुल परमेश्वर ने इसराइलियों के संतानों से भी कहा था. Don't go to other idols or other heathen gods. और कोई भी दूसरे मूर्तियों के पास या अन्य जातियों के खुद गॉड के पास मत जाओ. Trust in me. मुझ पर विश्वास करो. Many times when we read the Old Testament, it says, "The Lord your God." और कई बार हम पुराने नियम में ऐसा पढ़ते कि प्रभु तेरा परमेश्वर, ऐसा पढ़ते हैं. Lord your God. It means the Lord my God. और इसका मतलब कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर. He is Jehovah, the Lord my God. और वो यहोवा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, ऐसे लिखा है. Say, Lord, how true it is, you are my God. और फिर वो हम कहेंगे, प्रभु ये कितना सच है कि आप मेरे परमेश्वर है. I trust in you. मैं आप पर विश्वास रखती हूँ. So, the faith is about
the person in whom we have the trust. और विश्वास, ऐसा विश्वास का मतलब ये है कि हम किस व्यक्ति पर विश्वास रखते हैं. We hear a lot about faith. और हम विश्वास के विषय में बहुत कुछ सुनते हैं. Lot of preachers say faith. You have faith. You give so much money, and you have faith, and you prosper. और बहुत सारे प्रचारक ऐसा कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम्हें पैसा प्राप्त होगा, या फिर ये होगा वो होगा, या फिर तुम्हें नौकरी प्राप्त होगी, या फिर तुम्हें ये मिलेगा या वो मिलेगा. और हम ये सब बहुत सुनते हैं दूसरे कलीसियाओं में. और कई बार शायद ये हो सकता है, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है. और फिर मैं ये सोच रही थी कि हमारा क्या रवैया है इसके प्रति, जिस विश्वास के विषय में यीशु ने कहा है.